Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have completed till chapter number 2 in our computer subject. Today we are going to start with the subject chapter 3, Introduction to Computers. I hope your all work is been done. Okay students, you must have seen a computer. आप सबने कहीं ना कहीं इस तरह का कंप्यूटर तो देखा ही है. वो कैसा दिखता है? तो वो एक टीवी की जरूरत स्क्रीन होती है. इट इज़ हैविंग अ स्क्रीन लाइक अ टीवी. उसके साथ एक सीपीयू होता है एंड उसके साथ कीबोर्ड और माउस होता है. जब ये फोर थिंग्स आर बीन जॉइंट टुगेदर वी मेक अ कंप्यूटर. ओके नाउ Where have you seen all this? आपने ये सब कुछ कहाँ देखा है? कंप्यूटर कहाँ कहाँ देखा है आपने? बोलो जरा. Yes, shops, shopping mall, office, bank, hospital, railway station, police station, house, school, colleges और ऐसी कई जगहों पे आप लोगों ने इसे कंप्यूटर को देखा है ना? Yes, so look at the following picture of the computer and identify its various parts. So, this ये जो टीवी की तरह दिखने वाली स्क्रीन है उसे हम मॉनिटर कहते हैं. एंड जो ये लंबा सा है इस पर हमें सब कुछ मूवी पिक्चर वगैरह सब कुछ हमें देखने मिलता है. वी कैन सी ऑल द थिंग्स हियर. ओके नाउ दिस इज सीपीयू. सीपीयू एक बड़ा सा ऐसा लंबा रेक्टेंगल शेप में होता है और इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो भी हम चीज़ें करने वाले होते हैं वो हम इसे बोलते हैं और वो हमें करके देता है. कीबोर्ड जो होती है वो कीज होती है उस पर स्मॉल और उस पर हम लोग टाइपिंग करते हैं. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना. यस सो ये कीबोर्ड इस काम आता है. हमें इसमें जो भी हम लिखते हैं वो हमें इधर मॉनिटर पे दिखता है. ये माउस हमें गेम खेलने के लिए वगैरह कई सारी चीज़ें करने के लिए काम आता है. ठीक है. नाउ देर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू एंड माउस. कीबोर्ड मॉनिटर सीपीयू एंड माउस. कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब लाइट होती है ना तभी ये काम करता है. अगर लाइट ना हो तो ये काम भी नहीं करता है. इट इज़ अ डिवाइस मेड बाय मैन. ये किसने भगवान ने बनाया है? नो ये हम इंसानों ने बनाया है. सो इट इज़ अ मैन मेड थिंग्स. इट मेक अवर वर्क ईजियर. ये जो है हमारा वर्क एकदम ईजी बनाता है, फटाफट कराता है. इट वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेटली. एकदम फास्ट काम करता है और एकदम परफेक्ट काम भी ये करता है. इट वर्क कंटिन्यूसली विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक. कोई भी भूल किए बिना वो फटाफट काम करता रहता है. और हम थक सकते हैं बट ये थकता नहीं है. इट गवर्न एट नीदर बोर्ड और नॉट टायर्ड इवन वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम. ज़्यादा टाइम काम करने के बाद भी वो थकता भी नहीं है और उसे कंटाला भी नहीं आता है. अ लॉट ऑफ थिंग कैन बी डू डन ईजिली यूजिंग इट. हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि हम पिक्चर देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, मम्मी पापा बहुत सारे उसमें काम कर सकते हैं. राइट. इट इज़ यूजफुल इन मैनी वेज इन डिफरेंट फील्ड. अलग अलग चीज़ों में अलग अलग काम आता है ये हमारा कंप्यूटर. फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन बाय द कंप्यूटर. फिगर्स कैन बी ड्राइंग करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, लिखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए. ओके सो लेट अस सी द बैक. ओके इतना ही है हमारा चैप्टर. सो किड्स दिस इज आवर असाइनमेंट वर्क एंड आई विल सेंड यू द PDF एंड दिस इज व्हाट स्पेलिंग्स यू हैव टू कॉपी ऑल दिस स्पेलिंग्स. ओके यू हैव टू राइट दिस स्पेलिंग्स डाउन. ओके कंप्लीट इट. ओके देन वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.